पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 4000 किलोमीटर हम चले, और जो नफरत देश में फैलाई जा रही है उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने हमें कहा कि देखिए आपने साउथ से नॉर्थ तो कर दिया, ईस्ट से वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अब मणिपुर से महाराष्ट्र भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है, और आज मैं उड़ीसा में आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं। देखिए रुड़केला में, देखिए मैं आपसे दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रही है और इससे देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए हम सबको मिलकर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आप जानते हो कि यहां पर नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है, दोनों मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं, मुझे पार्लियामेंट में दिखने को मिलता है। जब भी बीजेडी की मदद की जरूरत होती है, मोदी जी कहते हैं बीजेडी के लोग हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ यहां बीजेडी नहीं है, यहां पे बीजेडी और बीजेपी की पार्टनरशिप है, और उससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दूसरे, मैं आपको दो आंकड़े देना चाहता हूं। 30 लाख लोग ओडिशा से बाहर गए हैं, बाकी देश में, बाकी स्टेट्स में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं, क्योंकि ओडिशा की सरकार अपना काम नहीं कर रही है। और दूसरा आंकड़ा, 30 अरबपति बाहर बाहर से ओडिशा का धन लूटने यहां आए हैं। ये हालत है प्रदेश की, 30 उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति बाहर से आए हैं, 30 लाख लोग यहां से बाहर गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं, और यहां पे बीजेपी और बीजेडी की पार्टनरशिप है। हम यहां आपकी बात सुनने आए हैं, आदिवासी प्रदेश है, आदिवासियों के खिलाफ यहां पे अत्याचार हो रहा है, पिछड़े लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। हम आपके दिल की बात, मन की बात सुनने आए हैं। 6-7 घंटे हम आपकी मन की बात सुनेंगे, 15 मिनट हम जो आपने हमें बताया और जो हमें लगा हम आपके सामने रखेंगे। दिल सा सबसे बड़ा मुद्दा उड़ीसा में, आप जानते हो, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, सब उद्योग यहां बंद कर दिए हैं, और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 40